हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जितने भी अब तक मैं वीडियो बनाए हैं, इस एक नंबर के दो नंबर के सब प्रश्नों को बता दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न, अर्थात पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ से जो प्रश्न हम आपको बताएंगे वो हो सकता है आपको एग्जाम में मिले। जितना हम प्रश्न बताएंगे वो सब आपको अच्छे से फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है और दो तीन बार उस सवालों को पढ़ लेना है। तो जितना हम पढ़ाएंगे आपको उतना भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहां से एक प्रश्न कह रहा है आपके सामने है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक उत्तल दर्पण कह रहा है आपके पास है, उसकी जो फोकस दूरियां है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, और आप जानते हो दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो उसकी फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं। और कह रहा है दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और आप ये भी जानते हो जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो यहां आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया है, यहां पर लिखेंगे हम दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, और आप यह भी जानते हो फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं, तो F का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होता है। तो यहां से कह रहा है उत्तल जो उत्तल दर्पण है फोकस दूरी F का मान क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और आप यह भी जानते हो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिखते हैं, इसलिए वक्रता त्रिज्या R का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं F बराबर R by 2, यानी F क्या है फोकस दूरी है किसकी, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, तो F क्या है उसकी फोकस दूरी है, R क्या है वक्रता त्रिज्या है, R क्या है वक्रता त्रिज्या है। यदि हम इस F को अपान 1 माने तिरछा गुणा कर दें, R इकन्नम R बराबर 2F इकन्नम 2F, अर्थात यहां से F क्या है फोकस दूरी है, R क्या है वक्रता त्रिज्या है। अगर आपको क्लासरूम में सर पूछे बच्चा बताओ उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो आप बताओगे सर F बराबर R by 2। तो पूछेंगे बच्चा F क्या है, तो आप बताओगे सर F क्या है फोकस दूरी है और R क्या है वक्रता त्रिज्या है। यदि हम यहां से तिरछा गुणा कर R इकन्ना R, तो दो गुणा करेंगे F नहीं, हमें आपको मिलेगा 2F मिल जाएगा। तो हमें F का मान दिया है ना, आर का मान पूछ रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे आर बराबर 2 गुणे F, F का मान क्या दिया है 12। अब हम 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, अर्थात जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्र त्रिज्या कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। इतना आपको याद रखना, अगर फोकस दूरी 12 दिए है, अगर R को मान निकालना है तो 12 का दुगुना कर देना बस। अगर यहां से फोकस दूरी 13 दिया होता तब दुगुना 13 दुनी 26 वो आपका R का मान हो जाता। अगर फोकस दूरी का मान 15 सेंटीमीटर दिया होता तब हम यहां से रखते 15 दुनी 30 जो R का मान होता, तो नीचे लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आंसर हो। इसमें बच्चों कुछ नहीं कह रहा था, एक दर्पण है आपका उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल F से लिखते हैं, स्मॉल F का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और आप यह भी जानते हो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। तो F और R में एक संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है जिसे कहते हैं F बराबर R by 2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे हम आर कर्णम आर बराबर टू एफ गुणा टू एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से आर बराबर टू एफ में एफ की वैल्यू रखे हैं, तो एफ का मान क्या है 12 सेंटीमीटर, तो रख दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 मान सेंटीमीटर आया। ये क्या है? उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यह बराबर आर बाय टू में जो फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से एग्जाम में दो नंबर के लिए, एक नंबर के लिए आपको एक सवाल पूछा जाएगा, चाहे यहां संख्या 12 रहे या 13 या 15 जो भी रहे, तो करना डिक टू आपको सेम टू सेम ऐसे ही है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कर लोगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहां से लिखेंगे, दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे बच्चा हम R से लिखते हैं, R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। जो दर्पण है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में R का मान अर्थात वक्रता त्रिज्या, F का मान फोकस दूरी, V का मान अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, तीनों का मान ऋणात्मक रखा जाता है, तीनों का मान निगेटिव होता है, तीनों का मान ऋण रखा जाता है, ऋण होता है। तो यहां से आपको त्रिज्या R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, और करा इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो नीचे लिखेंगे, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि f बराबर r बाय 2, अर्थात f क्या है? फोकस दूरी है, r क्या? वक्रता त्रिज्या है। इन f और r में एक संबंध होता है, तो क्या होगा? f बराबर r बाय 2 होता है। तो बच्चों, इसके पहले के सवाल में यहां पर आपको क्या था? f का मान दिया था ना, r का मान निकालना था, लेकिन इस सवाल में आपसे कह रहा है r का मान दिया है तो f का मान पूछ रहा है। तो यहां से रखेंगे, f बराबर r, r का मान क्या दिया है? 20 बटे 2, 2 के पहाड़े में 20 आता है 10 बार पे, अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो आप बच्चों बताओ, यहां से दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, जिसे u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं, फोकस दूरी f से लिखते हैं, इन तीनों का मान ऋणात्मक रखा जाता है। तो नीचे लिखेंगे, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, इसलिए f बराबर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे यहां से। तो आपका आंसर यहां पे होगा f बराबर -10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, इसमें कुछ नहीं कह रहा था, आपको केवल ध्यान देना है दर्पण, दर्पण कैसा है, उत्तल है या अवतल है। अगर अवतल होगा, u का मान, v का मान, f का मान तीनों ऋण में रखा जाता है। अगर अगर उत्तल दर्पण होता, कि उत्तल दर्पण में f का मान धनात्मक होता है, f क्या है? फोकस दूरी है, r, u, v इन तीनों का मान निगेटिव रखा जाता है, ऋण में रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यहां अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? एक दर्पण कह रहा है, दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल दर्पण है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तीनों का मान
जोड़े में रखा जाता है। एग्जाम में आएगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, आप बताओगे सर उत्तल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, आप बताओगे अवतल दर्पण। धनात्मक के लिए उत्तल, ऋणात्मक के लिए दर्पण अवतल हो जाएगा बस। तो यहां आपसे कह रहा है जो दर्पण अवतल है फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ का मान दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दर्पण अवतल है, अगर अवतल दर्पण है तो एफ का मान ऋण में होगा, यू का मान ऋण में होगा, वी का मान ऋण में सब रखा जाएगा। अगर यहां पर उत्तल होता, अगर उत्तल दर्पण होता तो एफ का मान ऋण में ना रख के हम धन मान लेते, इसे क्या मानते, धन धन मानते, ठीक है, यानी माइनस प्लस 10 सेंटीमीटर मानते हैं हम। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जा रहा है, वस्तु कितनी दूरी है दर्पण की दूरी से, 20 सेंटीमीटर है, यानी जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव होता है पोल, अर्थात दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, यानी फोकस दूरी दिया है आपको मान 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी जिसे हम यू से लिखते हैं, यू का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चा दर्पण अवतल है, मान निगेटिव रख दीजिए बस। और आपसे कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आप जानते प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से लिखते हैं, v का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपको आपको पढ़ाया गया हो क्लासरूम में, सर आपको पढ़ाए होंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है f 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर यहां पर कहें लेंस का सूत्र क्या होगा, डिक्टो वही करना है, जहां बीच में प्लस था वहां कर देना माइनस बस। तो आपको एफ का मान मालूम है, यू का मान मालूम है, वी निकालना है, तो लिखेंगे यहां से क्योंकि दर्पण के सूत्र से, दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर दर्पण उत्तल है या अवतल है तो एफ का मान पूरा डिक्टो मान वही रखा जाएगा। अगर यहां पर लेंस की बात कहता, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो पूरा मान वही रहता, केवल जहां प्लस का निशान है वहां पर कर देते माइनस, क्या कर देते माइनस। तो यहां से आपको वी का मान निकालना है, तो 1/f का मान क्या दिया है बच्चा, माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान आपको निकालना है प्लस 1/u, यू का मान दिया है माइनस 20, ठीक, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी माइनस 1/10 ऊपर चला गया, यहां से बराबर 1/v, माइनस का गुणा होता है प्लस, माइनस प्लस का माइनस हो जाता है 1/20, 1/20 यहां से हो जाएगा। अब करते क्या है, वी का मान निकालने के लिए संख्या एक पक्ष में कर देते हैं, तो हम यहां संख्या कर देते हैं पक्षांतर, अर्थात माइनस 1/10 ये माइनस में ही ये पूरा मान पक्षांतर। अब आप ये भी जानते हो पक्षांतर करने पर चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, यानी यहां पर माइनस 1/20 पक्षांतर प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब हम 20 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 20, हम निकाल देना आपके सामने 10, 20, दो काट दीजिए यहां से, 2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20, फिर 2 काट दो, 5 कटेगा नहीं, 2 × 5 = 10, 5 × 9 = 5, यानी 10 और 20 दोनों संख्याएं 2, 2, 5 जिस जिस संख्या से कटते हैं उन सबका हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, जो 20 आया वही उस 10 और 20 का लासा कहलाता है। तो यहां से लासा क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम करते क्या हैं, 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 20 में, यानी 10 के पहाड़े में 20 कितनी बार पे आएगा, 10 × 2 = 20, दो बार पे कटा ना 20,
2 से गुणा करते आंसर में, माइनस 2 प्लस 20 के पहाड़े में 20 एक बार पे आएगा, 20 इकन्नम 20, इकन्नम मान 1, उस 1 से गुणा कर द बच्चा 1 में 1/v। तो यहाँ माइनस 2 बड़ा 1 छोटा है, यहाँ ऊपर लगाएंगे हम माइनस 1/20 बराबर 1/v, 1/v तिरछा गुणा कर देंगे, माइनस वी इकन्नम माइनस वी बराबर 20 इकन्नम 20। तो इस माइनस का हम गुणा कर देंगे, वी बराबर माइनस उस तरफ हो गए माइनस 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दर्पण अगर अवतल है या उत्तर है, वी का मान यू का मान ऋणात्मक होता है, अगर दर्पण उत्तल है तो एफ का मान धनात्मक होता है। दर्पण कैसा है, अवतल, वी का मान किसमें आया, निगेटिव आया ना, अतः लिखेंगे नीचे, अतः प्रतिबिंब की दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर है। तो ये था प्रश्न, उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। दर्पण के सूत्र से और f बराबर r/2 के फार्मूले से, इसमें से आपको एग्जाम में एक या दो सवाल आपसे उठेंगे और उम्मीद करते हैं इन सब सवालों को आप छोड़ोगे नहीं, झट से आप करके रख दोगे। कब करोगे, जब मेरे वीडियो को आप बार बार देखोगे तब। तो दर्पण के फार्मूला होता है 1/f/v+1/v दर्पण का सूत्र है, और f बराबर r/2 ये क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर दर्पण के फार्मूले से कहे इन तीर f u v में आपको दो मान दिया जाएगा, एक मान आपको निकालना पड़ेगा, चाहे जो मान दिया, चाहे f का मान v का मान दिया, u का मान निकालना पड़े, चाहे f और u का मान v निकालना जैसे इसमें किए हैं, इन तीनों में आपको केवल दो मान दिया रहता है, एक मान आपको निकालना पड़ता है। वह मान निकालते हैं दर्पण के सूत्र से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।